जोश जगाएगा, आज क्या नया कर जाएगा, हर लिमिट को पुश कर रोज एक नया अंदाज दिखाएगा। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया। आपने कभी ना कभी टीवी या सोशल मीडिया पर ये लाइन तो जरूर सुनी या पढ़ी होगी। अगर नहीं, जो कि कम ही संभव है, तो आपने अमूल गर्ल को तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा। पार्ले जी वाली लड़की से कम फेमस थोड़ी है हमारी अमूल गर्ल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं देश के प्रसिद्ध ब्रांड और देश की सबसे बड़ी दूध उत्पाद सहकारी डेयरी कंपनी अमूल के बारे में। देश में लगभग हर कोई अमूल के नाम से परिचित होगा। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के मामले में लगभग पूरे देश में अमूल का राज है। तो गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर कैसे अमूल पूरे देश में फेमस हो गया और कैसे इसने किसानों को एक अलग पहचान दी, आज डेसिफाइड के इस एपिसोड में अमूल की पूरी कहानी के साथ हम आपको यही सब बताएंगे। आनंद ने इतनी विशाल डेयरी कैसे बन पाई? देश की और डेयरियां इतनी सफल क्यों नहीं हो पाई? अमूल जैसी भावना अगर देश के और हिस्सों में आ जाए तो गांव की तो सूरत ही बदल जाए। आजादी से पहले के समय में गुजरात के आणंद में पोलसन नाम की एक डेयरी कंपनी चलती थी। एकमात्र डेयरी कंपनी होने के कारण आसपास के किसान बहुत कम दाम पर अपना दूध इस डेयरी कंपनी को बेचने पर मजबूर थे। ये डेयरी कंपनी किसानों से सस्ता दूध खरीदकर उसे मुंबई में महंगे दामों पर बेचती। इसके अलावा ये कंपनी ब्रिटिश आर्मी को भी दूध की सप्लाई करती थी। यानी कुल मिलाकर कंपनी भारी मुनाफा कमाती थी, लेकिन इसका कुछ भी फायदा किसानों को नहीं मिलता था और उनकी हालत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। इस समस्या को लेकर किसानों के रिप्रेजेंटेटिव त्रिभुवन दास पटेल एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने पहुंचे और उन्हें किसानों की समस्या के बारे में बताया कि किस तरीके से किसानों को दूध का सही दाम नहीं मिल रहा। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने त्रिभुवन दास को सहकारी संस्था यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद त्रिभुवन दास ने 14 दिसंबर 1946 यानी 1946 को आनंद में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोडक्ट्स यूनियन लिमिटेड की शुरुआत की। अब ये कंपनी किसानों से दूध खरीदने लगी और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि किसानों को दूध का सही दाम मिलने लगा, क्योंकि अब बिचौलिए नहीं थे और वो सीधा कंपनी को दूध बेच सकते थे। साल 1950 में त्रिभुवन दास पटेल ने इस सोसाइटी की जिम्मेदारी देश के लिए कुछ करने को बेचैन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सौंपी। जब त्रिभुवन दास पटेल किसानों को जोड़कर ऐसी और सोसाइटी बना रहे थे, तब डॉक्टर कुरियन इस कोऑपरेशन को मजबूत करने में जुटे थे। उन्हें कोऑपरेटिव चलाने के लिए टेक्निकल मैन की जरूरत थी, जो H.M. डलाया के आने से पूरी हुई। इन तीनों का अमूल को एक बड़ा ब्रांड बनाने में काफी बड़ा योगदान है। 1955 में जब कोऑपरेशन का नाम रखने का वक्त आया तो डॉक्टर कुरियन ने इसका नाम अमूल रखा। ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का छोटा रूप था और साथ ही संस्कृत में अमूल्य का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत लगाई न जा सके। अगर हम अमूल के सहकारी मॉडल की बात करें तो अमूल का मॉडल इतना इफेक्टिव था कि सरकार इसे पूरे देश में लागू करना चाहती थी। इसके लिए 1964 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना। डॉक्टर कुरियन ने ही दुनिया के सबसे बड़े डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट यानी खाका तैयार किया, जिसे ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। साल 1969-70 में हुई श्वेत क्रांति में अमूल को एक मॉडल बनाया गया। अमूल अपने विज्ञापनों को लेकर भी काफी चर्चा में रहा। इनके विज्ञापनों में दिखने वाली अमूल गर्ल की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इसे डॉक्टर कुरियन पोलसन डेयरी के विज्ञापनों में आने वाली पोलसन गर्ल को टक्कर देने के लिए लाए थे। इसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एजेंसी हायर की। एजेंसी के आर्ट डायरेक्टर यूस्टस फर्नांडिस और कम्युनिकेशन हेड सिल्वेस्टर दाकुन्हा ने अमूल गर्ल को क्रिएट किया। अमूल गर्ल का पहला विज्ञापन 1966 में आया था और अमूल गर्ल कैंपेन को दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एड कैंपेन माना जाता है।
1990 के दशक तक अमूल की मार्केटिंग पॉपुलर होने लगी थी। करंट अफेयर्स और बॉलीवुड फिल्मों पर अमूल गर्ल के एड आने लगे थे जो लोगों में बहुत वायरल होते। ये सिलसिला आज तक बरकरार है और अमूल गर्ल आजकल सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की वायरल फैक्टर बन चुकी है। अमूल की मार्केटिंग और सप्लाई चेन पर फोकस की बदौलत साल 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश बन गया था और तब से लेकर आज तक वो नंबर एक पर है। 1990 के आखिर में अमूल ने कई प्रोडक्ट लॉन्च किए लेकिन वो फेल साबित होने लगे। 2006 में डॉक्टर कुरियन ने चेयरमैन का पद छोड़ दिया। फिर साल 2010 में अमूल की कमान आरएस सोढ़ी के हाथ में गई जो पिछले 30 सालों से अमूल के साथ जुड़े थे। उन्होंने सप्लाई चेन में कुछ बदलाव किए और कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जिससे अमूल फिर ट्रैक पर आ गया। 2010 से 2015 के बीच 21% ग्रोथ रेट के साथ अमूल का टर्नओवर 8,005 करोड़ से बढ़कर 20,733 करोड़ तक पहुंच गया। आपदा में अवसर, इसका सही मायने में इस्तेमाल अमूल ने किया है। उसने लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 2021 के पहले क्वार्टर में 33 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। कोरोना के डर के चलते सप्लाई में कोई रुकावट ना आए इसके लिए अमूल ने वर्कर्स को 100 से 125 रुपए ज्यादा दिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स को 30 पैसे प्रति लीटर बोनस दिया। डेयरी प्लांट के अंदर ही वर्कर्स के लिए खाने और रहने की व्यवस्था भी की। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि जहां ज्यादातर कंपनियों की हालत खराब थी वहीं अमूल ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन में भी 20% की ग्रोथ रिकॉर्ड की। 1946 में 247 लीटर दूध से शुरू हुआ कोऑपरेशन आज रोजाना 2.3 करोड़ लीटर तक जा पहुंचा है। इसलिए अगर भारत के आत्मनिर्भर ब्रांड की बात कभी भी होगी तो अमूल का नाम उस लिस्ट में सबसे पहले आएगा। तो अगली बार जब भी आप अमूल का कोई प्रोडक्ट खरीदें तो याद रखें कि आप भी हमारे देश के किसानों की उन्नति में अपना हाथ लगा रहे हैं और इसीलिए ही अमूल है द टेस्ट ऑफ इंडिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। आगे भी ऐसे ही इंफोटेनमेंट वाले वीडियोस को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए देसी फाइट को।